It's too early for all that. Who on the limit till it's on the day of heavy? Limit till it's out in the red play. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आदाब भाई जी, आदाब साहब भाई, वो सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश बाहर से होंगे। तो यार सबसे पहले वेलकम हो गया आप लोगों का नदर ब्लॉग के अंदर। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बड़े टाइम बाद दोबारा मिल रहे हैं यार, आप लोगों को पता है वजह क्या है, ठीक है। तो इसलिए भी आज फिर हमारा बस वापसी हुई है, तो इसलिए हमने कहा जल्दी से ब्लॉग शूट करें भाई, कब से ब्लॉग नहीं डाला यार। तो इसीलिए अभी सबसे पहले चलेंगे, आज हम गाड़ी का टायर शायद चेंज कराते हैं, थंबनेल भी आपने देख लिया होगा, तो बाकी आप लोगों को विजिट भी करते हैं और भी थोड़ा शोल मेरा लगाते हैं आज के ब्लॉग में। तो फिर शुरू करते हैं आज का सीन, तो फिर बन रही मलिक आगे के साथ। हाँ जी बाबा जी, तो मेरे ऊपर अब चेक कर सकते, बड़ी गंदी छंटी हुई है यार, बारिश वगैरह होती रही, ये चक्कर खड़ी रही है बेचारी, लेकिन इसे भी सर्विस सर्विस करते हैं, टेंशन नहीं लेनी फिर। हाँ हाँ जी, तो क्या है मेरे जी, टिका ना खुश हो। तो बाबा जी एक और आप लोग चेक करो, ये चेक करो, फ्रेश टीके फॉर यू, ठीक है, फ्रेश टीके फॉर यू, बेहतरीन किस्म के टीके लगे हैं भाई साहब, 2,000-3,500 ये फ्रेश टीके लगे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा छोटा मोटा काम निकला था। एक तो ये पैडल इसका थोड़ा बहुत हो गया था, नया आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी चेंज हो गया, और भी छोटे मोटे काम थे वो हो गए। तो खैर अभी चलते हैं जल्दी से अपने सफ़र की तरफ। तो बाबा जब भी आप लोग ये टायर की इसकी बबलिंग चेक कर सकते हो, ये देखो इसको छोड़ो तो स्टेयरिंग साहब पूरा हिलते हैं, और कहाँ जा रही है गाड़ी कुछ भी नहीं समझ आ रही। ये अभी टायर लगाने के बाद आप लोगों को बताऊंगा कि असल सीन क्या था बाबा जी। तो बाबा जी सदर क्षेत्र हम पहुँच गए थे, चेक कर सकते हो सारी दुकानें आ गई हैं, लेकिन हम एक ही बंदे के पास जाएंगे जिससे हम एज ऑलवेज हम अपने टायर में लगवाते हैं, हमारा एक ही बंदा है भाई, उसी के पास चलते हैं, उसे जाके मिलते हैं। अभी ये है बाबा जी असीम टायर, ये शॉप है यार। ये भाई हैं, इनको यकीन नहीं आ रहा कि गाड़ी ऑटो है यार, और सारी गाड़ी देख रहे हैं भाई। अच्छा वो भाई अभी सारी गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं यार, उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ऑटो ही है, लेकिन भाई को आखिरकार तसल्ली आ गई, अब उन्होंने स्टार्ट वगैरह खुद करके हर चीज़ देखी है। बाबा जी ये लगे पुराने टायर, ठीक है, और ये अभी नए टायर। बाबा जी सीन साइड ना वैसे देख लिया होगा आपने, टायर शेर हमने लगवा लिया, ठीक है, पुराने टायर ये पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है, ये हमने सेल नहीं किया, ये क्यों नहीं किया ये आपको मैं तफसील आराम से बांट बताऊंगा। अभी हम इस टाइम रोड में मौजूद हैं, ठीक है, इस जगह सब शावर रोड पे है, ठीक है, और ये वाइपर शिप भी अभी हमने लगवा लिया, क्योंकि यार ये भी थोड़े बहुत ख़राब हो गए थे, इसलिए हमें लकीर है, मैंने कहा ये भी चेंज करा लेते हैं। दूसरे नंबर में भी अब पहुँच गए शावर रोड पर, अभी आप हमने मारना है इसका वैशी किस्म का पंडा, ताकि भाई साहब हमें पता चल सके टायर ठीक है, गाड़ी मतलब स्मूथ हुई है नहीं हुई क्या हिसाब, क्योंकि लोकल में तो उतना नहीं फील होता, अभी इसे भगाएंगे तो ही फील होगा कि भाई साहब इसका क्या हिसाब कर रहा है। बस अभी जैसे इशारा खुलता है तो इसे भगाते हैं, ये इशारा बस खुलने के बस तसुरात हैं, तो इसके बाद अगर हम इसका वैसी किस्म का बढ़ना मारते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि गाड़ी स्मूथ हुई है नहीं हुई है क्या हिसाब। तो बाबा जी इशारा वगैरह खुल चुका है, ठीक है, अभी आगे घंटे से अपना, ठीक है, अजीब किस्म के जाहिल तरीन ड्राइवर आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के। तो खैर अभी वैसी किस्म का इसे बढ़ना मारते हैं, भगाते हैं, देखते हैं कि भाई साहब कुछ स्मूथ हुई है नहीं हुई, तो भाई साहब दुआ करो अल्लाह पाक खैर करे, ठीक है, चलो बिस्मिल्लाह। ये देखिए अच्छे वर्ल्ड किस्म के ड्राइवर आ जाते हैं ना जब पाकिस्तान में, हमारा मूड ख़राब कर देते हैं, सारा का सारा मूड ख़राब कर देते हैं। बाबा जी मैं कहना एक दफ़ा ना
ऐसी वैसी चस आ गई है, पैसे पूरे हो गए बाबा जी, टायर और रिमो के पैसे पूरे, पैसा चस आ रही है बाबा जी, ये चेक करो स्मूथ ड्राइव। ठीक है, अभी अलाइनमेंट भी नहीं की और बाबा जी गाड़ी को जब छोड़ दो, गाड़ी कहेगी मैं ही मैं हूँ। तो खैर बाबा जी चस आ गया, पैसे ज़्यादा पूरे हो गए, अभी इसके जाके अलाइनमेंट वगैरह भी कराते हैं, देखते हैं फिर और कुछ इसमें बेहतरी आती है या क्या। ऑलमोस्ट आएगी यार, जाहिर सी बात है अलाइनमेंट से गाड़ी और पक्की अपनी जगह पर बैठ जाएगी, लेकिन बाबा जी एक दफ़ा मज़ा आ गया, मज़ा तो बाबा जी अभी यहाँ से हमने लाइमेट शेमेट करा लिया, शीशा बड़ा गंदा हुआ, थोड़ा इग्नोर मारो यार। तो बाकी अभी निकलते हैं, अभी अपना भी थोड़ा बहुत धुलिया सेट करें यार, हालत बड़ी ख़राब हुई है, देखो बाल शाल, ये भी थोड़ी सेटिंग वगैरह कराते हैं अपनी भी जाके। बाबा जी ये चेक कर सकते हो आप लोग, मज़ा आया कि नहीं आया, फिर मज़ा आया खुद ब खुद स्मूथ गाड़ी माशाल्लाह यार, मज़ा आ गया यार। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन माय फीलिंग्स दैट इतनी स्मूथ माशाल्लाह हमारा प्रोजेक्ट रहा है यार, ये चेक करो, खड़े लगे दूसरे लगे एक जगह अपने लग गए, बस समझो क्रूज लग गया तो बस जाने दो, फिर बेफिक्र हो गए। तो बाबा जी कटिंग शटिंग हमने करा लिया, देखा है आपके बाइक की न्यू लुक आ गया ना फिर, तब बाबा जी सुन तो बचपन से ही रहा, बस वो क्या करे कभी गुरूर नहीं किया। खैर तो अभी चलते सीधा घर की तरफ, इसको थोड़ा खड़ा करते हैं। बाबा जी इतनी गर्म सीट है, इतनी गर्म स्टीयरिंग को हाथ नहीं रखने वाला, इतनी गर्म हुई हुई है गाड़ी, धूप में खड़ी हुई थी। तो खैर अभी जल्दी से पहुंचते हैं घर। हाँ जी बाबा जी, तो सीन रहा उठना वैसे कि यार घर आ गए थे, ठीक है, तो थोड़ा काम शाम था आज वो किया है, और उसके अलावा यार आप लोगों को ये बताना था कि पुराने टायर हमने इसलिए नहीं साथ दिए, ठीक है, वो कि दोबारा यार गाड़ी लेनी भेजनी पड़ जाती है बंदे के साथ पता नहीं होता, तो इसलिए हमने रख लिया कि यार ये दोबारा बंदा लगा के तो सेल कर सकता है हमें, उस टाइम मसला नहीं होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर यह कि आपको बताया कि गाड़ी बबलिंग क्यों कर रही थी, वो इसलिए कह रही थी कि यार इन टायरों में थोड़ा सा इशू आ गया जिसकी वजह हमें चेंज भी करने पड़े, और कुछ लोग बोलेंगे कि यार जब इतना खर्चा कर लिया उस पर थोड़े फैंसी रिम या मतलब मॉडिफाइड टाइप रिम लगा दे, तो उनको बताना चाहूँगा कि यार ये इस पर थोड़ा हमने जो इंजन रखा है उसका थोड़ा वजन है गाड़ी पे, ठीक है, जिसकी वजह से गाड़ी बैलेंस नहीं होती, इसलिए हमें थोड़े इस तरह के जापानी टायर वगैरह लगाने पड़े, क्योंकि अगर हम इसके साथ अलॉय व्हील्स वगैरह लगाएंगे, अलॉय व्हील्स आते हैं जो अच्छे आते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, और जो मतलब हमारे रेंज में आए थे वो ये सिंपल वाले ठीक है, ठीक है, इसकी थोड़ी लाइफ है मतलब चलने वाले हैं, इतना कोई खास इशू नहीं है हमारे, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा इंशाल्लाह, वो भी करा लेंगे, इतना करा लिया तो बाकी टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो फिर तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।